हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेबटेकहट। इस वीडियो में मैं आपको इस स्लाइडिंग बटन के बारे में बताऊंगा। ये देखिए, ये आप अपनी वेबसाइट के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए और अदर एप्लीकेशन के लिए बना सकते हैं HTML और CSS से। ये मैंने फोटोशॉप में पहले डिज़ाइन किया हुआ है, ये देखिए, और फिर इसको HTML और CSS में कन्वर्ट किया है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बॉर्डर रेडियस का डिफरेंस दिखाता हूँ कि इसमें मैंने बॉर्डर रेडियस थोड़ा ज़्यादा ले रखा है और उसमें मैंने थोड़ा सा कम लिया है जो मैंने HTML और CSS में बनाया है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो आप सेम जितना मैंने ये फोटोशॉप में बटन बनाया है इतना रेडियस ले सकते हैं, ये अच्छा लगेगा। और ये थोड़ा उससे मैंने डिफरेंट किया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना कोई भी कोड एडिटर खोल लेंगे, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे HTML और CSS की दो फाइलें बना रखी है डॉम ड्रीम व्यूअर में, और मैं अपना पुराना कोड इससे इसमें से डिलीट कर देता हूँ। ये एक CSS मैंने लिंक कर रखी है, और यहाँ पे मैंने फॉन्ट जो मैंने यूज़ किया है उसको लिंक करा रखा है। और अब मैं ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, हमारा जो बटन है अब यहाँ से गायब हो जाएगा क्योंकि हमने कोड डिलीट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक डिव ले लेता हूँ, इसको हम नाम दे देते हैं मेन। इसमें हम सारा काम करेंगे। अब इस डिव को हम बंद कर देते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको थोड़ा स्टाइल दे देते हैं। ऊपर मैंने दोस्तों अपना जो फॉन्ट है वो डाउनलोड करके उसकी फॉन्ट फैमिली लगा रखी है, और HTML में मैंने यहाँ पे वो फॉन्ट लिंक कर रखा है। आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, वेट्स मैं इसको दे देता हूँ 500 पिक्सल, और हाइट भी मैं इसको 500 पिक्सल ये एक बार दे देता हूँ, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हम इसको दे देते हैं। कोई भी कलर आप दे सकते हैं, लेकिन मैं 1 पिक्सल सॉलिड ही लिख रहा हूँ अकेला, क्योंकि मैंने बाद में इस कोड को हटा देना है। तो उसको सेंटर में ले आने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मार्जिन 0 ऑटो, थोड़ा सा ऊपर से नीचे लेके आते हैं इसको, 50 पिक्सल ऑटो कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। और अब ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि हमारा कोड चला कि नहीं। ये देखिए, हमारे पास एक डिव आ गया। अब इसके बीच में मैं काम करूँगा हाइट वेट्स। हाइट इसकी मैं हटा दूँगा, वेट्स मैंने इसलिए यूज़ के रखी है क्योंकि मार्जिन 0 ऑटो यूज़ किया हुआ है और वो सेंटर में है। अब सबसे पहला काम, हमने एक लेबल क्लास लेनी है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसी को दे देते हैं लेबल, क्योंकि मैंने आपको इसमें कोई कोडिंग करके दिखानी नहीं है, अकेला आपको एक बटन नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे लेबल बंद कर देते हैं, और यहाँ पे एक लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स। हमने यहाँ पे एक चेक बॉक्स लिया है इनपुट टाइप। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारा चेक बॉक्स आ चुका है, लेकिन यहाँ पे मार्जिन 0 ऑटो अभी काम नहीं कर रहा है। हम चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है।
हमको डिस्प्ले ब्लॉक देना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने लेबल लिया है तो उसमें ये काम नहीं कर रहा विड्थ और हाइट, और अब हमें डिस्प्ले इसको ब्लॉक देना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, और अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए हमारा वो चेकबॉक्स आ रहा है और वो हमारा सारा डिव सेंटर में वैसे ही आ रहा है। अब हम मैं क्या करूँगा कि इसी डिव के बीच में बटन बनाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, फोटोशॉप में जाता हूँ, बटन का मैं ये नीचे वाला हिस्सा मेन सेंटर वाला हिस्सा बनाऊँगा। तो उसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक स्पैन ले लेता हूँ, स्पैन क्लास, इसको मैं देता हूँ सी बटन, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ स्पैन को, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। और ये जो मैंने विड्थ हाइट दे रखी है इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, 400 पिक्सल हाइट मैं इसको कर देता हूँ 100 पिक्सल। और यहाँ पे जो सी बटन है उसकी हाइट और विड्थ हम देते हैं, पहले तो हम इसको देते हैं पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, और हम इसकी विड्थ देते हैं 300 पिक्सल, क्योंकि मैं 300 पिक्सल का बटन बनाना चाहता हूँ। और हाइट इसकी मैं दे देता हूँ इनहेरिट भी, जितनी उसकी हाइट है उतनी ऑटोमेटिक इसमें हाइट आ जाए ऊपर वाले की। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक बॉर्डर देता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ कि हमारा जो डिव की क्लास है वो काम कर रही है कि नहीं। और कलर मैं इसको, बैकग्राउंड मैं इसको कोई भी दे देता हूँ, इसको मैं एक बार ब्लैक कर देता हूँ, बाद में हम इसमें वो कलर यूज़ करेंगे जो हमें चाहिए। सी बटन हमारा अभी सेव नहीं हुआ इधर, इसलिए नहीं आया। तो एक बार फिर रेफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारा वो आ चुका है, और लेकिन अभी इसमें विड्थ और हाइट काम नहीं कर रही। तो इसमें भी हमको डिस्प्ले ब्लॉक लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक दे देते हैं। इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर देते हैं लेफ्ट, एक बार हम इसको बिट चाहते ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करता है। लेफ्ट 0, राइट 0, ये देखिए लेफ्ट और राइट, लेकिन टॉप से ये टॉप 0,
ये देखिए उसके वो ऊपर आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको रेडियस देना है थोड़ा सा, जैसे कि हमारा वो पहले वाला वो रेडियस वाला बटन है आपने देखा है, तो मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। ये देखिए 50 पिक्सल ये रेडियस हो चुका है। और अब मैंने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यही कलर दूँ, तो पहले तो मैं ये कलर पिक करूँगा यहाँ से, फोटोशॉप से मैंने कलर पिक किया। आप कोई भी कलर ले सकते हैं जैसा जिस कलर का आपको बटन बनाना हो। ये देखिए उस यहाँ पे उसका वही कलर आ गया। और अब जो ये बॉर्डर हमें अलग दिख रहा है इसको मैं हटा देता हूँ, ये देखिए ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि जो ये साइड में अलग सा आपको दिख रहा है ग्रेडियंट, इसको अप्लाई करना है, इसको लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा कि सी बटन के आगे आफ्टर यूज करूँगा, वैसे तो मैं इसमें बिफोर भी यूज कर सकता हूँ। चलो एक बार बिफोर यूज कर लेते हैं। अगर इसको बिफोर यूज करने के लिए, सबसे पहले बिफोर आफ्टर यूज करने के लिए आपको पता है कंटेंट ऐसे लिखना पड़ता है खाली, और पोजीशन एब्सोल्यूट, वेट 100%, हाइट इसको थोड़ा सा मैं बॉर्डर दे के देखता हूँ कि वो हमारा बिफोर लग गया कि नहीं। 1 पिक्सल सॉलिड। अब इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारा बिफोर लग चुका है। और इसको मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा 50 पिक्सल, ये देखिए वहाँ पे ये आ चुका है। और अब मैंने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा जो आप यहाँ पे कलर देख रहे हैं ये लेके आने हैं गार्डियंट कलर, तो यहाँ से फोटोशॉप से मैं क्या करता हूँ इस रेक्टेंगल का जो गार्डियंट है उसको कॉपी करूँगा। एक बार यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ, गार्डियन बैकग्राउंड कलर ये शो हो रहा है। तो पहले तो मैं ये यहाँ पे कलर दिया था इसको चेंज करता हूँ, देख रहा हूँ कि कलर का सेम ये कलर, वो RGB कलर है। पे मैंने गार्डियन ट्री यूज़ किया हुआ है पिछले वाले बटन में, उसी को कलर को सेम कलर को यूज़ करूँगा। आप कोई भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मुझे तो यही गार्डियन ग्रेडियंट कलर अच्छा लगा है।
यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड ग्रेडियंट मैंने दे रखा है, ये देखिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये 4 में आ गया। और अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा बाहर निकालना है और दूसरे वाले को ऊपर लेके आना है। वो मैं पहले तो मैं इसको बाहर निकालने के लिए क्या करूँगा, टॉप -10 पिक्सल लेफ्ट -10 पिक्सल राइट -10 पिक्सल बॉटम -10 पिक्सल ये उसे थोड़ा बड़ा करना है, ये देखेंगे होगा हुआ कि नहीं। ये देखिए हो तो गया लेकिन थोड़ा सा ये गलत हो गया है, लेफ्ट टॉप -10 पिक्सल 10 पिक्सल हाइट विड्थ मैं इसकी हटा देता हूँ। ये देखिए अब सही हो गया इसमें, क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट लोके पे यूज़ किया हुआ है, -10 पिक्सल -10 पिक्सल, तो हाइट विड्थ की इसमें ज़रूरत नहीं है, फिर ये सही लगेगा। और मैं अब इसका बॉर्डर हटा देता हूँ और इसको मैंने पीछे लेके जाना है। इसको मैं कर दूंगा जेड जेड इंडेक्स -1, भी एक के नीचे वो चला जाए। और इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए वो उसके नीचे चला गया है। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा दिखाना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको बड़ा करने की बजाय वेट्स मैं इसकी कर देता हूँ 300 और हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 80 पिक्सल। ये देखिए अब एक बटन आपको दिखाई दे रहा है। और अब हमने क्या करना कि ये ऊपर वाला जो बटन का है ये हमने लेके आना है। तो इसके लिए मैंने इसका इमेज बना रखा है पहले ही, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये उसका इमेज में बना रखा है, इसी को मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं एक और क्लास लेता हूँ, एस बटन मैं इसको नाम देता हूँ। इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ, विड्थ इसको मैं देता हूँ 100 पिक्सल, हाइट मैं इसको देता हूँ 100 पिक्सल, हाइट इसको मैं देता हूँ 50 पिक्सल।
बैकग्राउंड में हम मैंने जो आपको इमेज दिखाया था पीएनजी का, उसको लगा देता हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं इसको। ये देखिए ये बटन आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा कटा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या कमी है। बैकग्राउंड साइज हम इसको कर देते हैं कवर, और यहाँ पे नो रिपीट, ठीक है। हाइट मैं इसकी बड़ी कर देता हूँ। हाइट इसकी एक बार हटा देते हैं। विड्थ दिस को बॉर्डर में देखे देखते हैं कि कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है। एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेफ्ट माइनस टेन, लेफ्ट जीरो, कवर नो रिपीट 1 4 8 100%। यहाँ पे हमने विड्थ वहाँ पे 148 पिक्सल और हाइट हमने इसकी 100% दी है, और बैकग्राउंड साइज हमने इसको दिया है। कवर सेंटर टॉप, ठीक है। यहाँ पे जो हमने कवर दिया है इसको हम नीचे करेंगे। बैकग्राउंड साइज कवर, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, और लेफ्ट जीरो,
इसका जो हमने रेडियस दिया है इसको हम 30 पिक्सल करके देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको आगे कर देता हूँ, लेफ्ट से इसमें कर देता हूँ। अब ठीक लग रहा है, लेफ्ट से 3 पिक्सल हम इसको दे देते हैं। अब ये बॉर्डर वगैरह हम हटा देते हैं जहाँ जहाँ पे मैंने बॉर्डर लिया है, तो मेन में लिया है। चेक बॉक्स को भी हटा देते हैं, यहाँ पे जो मेन मेन इनपुट है उसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नन। ये देखिए वो चेक बॉक्स भी हट गया। अब हमने क्या करना है कि चेक बॉक्स पे जब क्लिक करें तो ये हमारा बटन इधर की तरफ आए। सबसे पहले तो मैं ऑन ऑफ वाला टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो पहले तो हम चेक बॉक्स वाला ही लिखते हैं। मेन में जो हमारी इनपुट चेकड हो जब तब क्या हो, देन जो हमारा ये एस बटन है हमने ऊपर ले रखा है वो जब हम उस पर क्लिक करें तो उसको हमने क्या करना है ट्रांसफॉर्म आगे की तरफ उसको हमने करना ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। इसको मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल पहले, तो फिर देखते हैं क्या होता है। अब हमने क्या करना है ये जो इधर इफेक्ट कर रहा है वो बटन वाला पे क्लिक का ये लेके आना है, तो वो हमारा थोड़ा काम नहीं कर रहा। यहाँ पे हम जब हमारा इनपुट चेक हो तो हमारा बटन ट्रांसलेट हो, ये देखिए ट्रांसलेट तो हो रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको ज़्यादा कर देंगे, बस इतना ठीक है। 146 पिक्सल ट्रांसलेट, 146 पिक्सल ट्रांसलेट। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए जब क्लिक कर रहे हैं तो इधर तो हो रहा है लेकिन ये एक एकदम से आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी डिले से आए, इसमें ट्रांजेक्शन दूँ, तो मैं क्या करूँगा कि जो ये बटन है सी बटन, यहाँ पे करूँगा ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन 3 सेकंड में ये आए। तो अब रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक किया थोड़ा ज़्यादा स्लो है,
मैं इसको 1 सेकेंड कर देता हूँ, ये देखिए जब मैं इनपुट पे चेक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारा बटन काम कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि जो यहाँ पे ऑन ऑफ वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा, ये लेके आना, और कलर बैकग्राउंड का हमने चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम ऑन ऑफ वाला ही लिखते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस बटन के स्पैन में ही सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑफ। अब मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे ऑन ऑफ आ चुके हैं। अब इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, पहले तो इसको फ्लोट लेफ्ट भी देते हैं और फॉन्ट साइज भी हम देते हैं 'स्पैन C' बटन में जो P है इसमें, बटन में जो P टैग हमें पैराग्राफ टैग में लिखे हैं, इसको मैं पहले कह देता हूँ फॉन्ट साइज 36 पिक्सल। बाकी मैं आगे एडजस्ट कर लूँगा, एक बार मैं ऐसे ही ले रहा हूँ इसको। और इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए एक तो वो डिस्प्ले एक ब्लॉक में आ गया और फॉन्ट साइज इनका एडजस्ट हो गया। और अब मैं पहले तो क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इनको ऊपर लेके जाता हूँ, इनको मैं देता हूँ लाइन हाइट, इसको मैं पैडिंग टॉप से देता हूँ 10, लेफ्ट से 0, लेफ्ट से 5 पिक्सल, इसको लेफ्ट से 10 दे देता हूँ, टॉप से मैं थोड़ी ज़्यादा इसको पैडिंग दे देता हूँ, ये देखिए। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और फॉन्ट वेट मैं इसका कर देता हूँ 2 बोल्ड। और अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये हमें दिख रहे हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे फोटोशॉप में थोड़ा सा टेक्स्ट का इफेक्ट आया है ये हो, तो मैं इसको क्या करूँगा, टेक्स्ट की CSS को कॉपी करता हूँ, ये देखिए इसमें टेक्स्ट शेडो दिख रही है, जो इसको कॉपी करते हैं और इसको हटा देते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं,
अब एक बटन तो इधर है और एक मुझे दूसरी तरफ चाहिए, तो मैं क्या इसमें करूँगा? सी बटन, इसको कॉपी करते हैं। जो दो नंबर का है उसको मैं देता हूँ फ्लोट राइट, देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। ये देखिए, अब ये बटन ऑफ है, इधर क्लिक करेंगे तो ऑन है। ठीक है, वो टेक्स्ट वो है, वहीं पे ही है, उसमें मैंने कोई इफेक्ट नहीं डाला। और अब मैंने क्या करना है कि इसका कलर जो चेंज करना है जब मैं इसको ऑन करूँ बटन को, तो उसके लिए मैं देख लेता हूँ फोटोशॉप में पहले। तो जब ये मेन का इनपुट चेक हो तो इसको सी बटन का, ये जो सी बटन है इसका कलर, इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कौन सा लेना चाहता हूँ, ये फोटोशॉप में से हम देखते हैं कि इसमें कौन सा बैकग्राउंड है। इसी कलर को मैं कॉपी करता हूँ। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। और इसको मैं थोड़ी सी ट्रांजेक्शन इसको दे देता हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा तो सेकंड ले, ये चेंज होने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये हमारा बटन काम कर रहा है ऑन ऑफ का। इस दोस्तों इस बटन को आप किसी भी वेबसाइट में या मोबाइल एप्लीकेशन या अदर कोई भी वेब ऐप के लिए यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत ही, इसका रेडियस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं और भी इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें जो ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, तो इसके ग्रेडियंट को आप चेंज भी कर सकते हैं। इधर से उधर दिखा सकते हैं, लेफ्ट राइट से बॉटम से दिखा सकते हैं। ये जो बटन के बीच में है इसको से मैंने सिंपल कलर दे रखा है, इसको भी आप ग्रेडियंट अगर कलर बैकग्राउंड में देंगे तो ये अच्छा लगेगा। ऑन पे आप इसका कलर, इधर ऑन का भी कलर चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का। तो आप इस ऐसे, ये एक मैंने आपको भी समझाया, अभी ऐसे आप एक चेक बॉक्स से बटन बना सकते हैं। आप बहुत तरह के बटन इससे बना सकते हैं, ये देखने में अच्छे लगते हैं और यूज़र इंटरेक्ट भी होता है इससे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर दोस्तों किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही खूबसूरत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। HTML, CSS, फोटोशॉप और PHP की और अदर और भी जो नई चीज़ें आएंगी उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने एक दो वीडियो Adobe XD पे भी बनाई है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।